Hello people and welcome to Shifting Gears, and in today's video we have with us a brand new car. You can see it on the board over here. We have with us the 2020 Nissan Magnite Compact SUV. अब ये एक सब 4 मीटर गाड़ी होने वाली है, बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द आउटसाइड ऑफ दिस Nissan Magnite। क्या है इस गाड़ी के फीचर्स व्हेन यू लुक एट इट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द आउटसाइड। इंटीरियर्स के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन वी अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स डीप डाइव एंड टॉक एवरीथिंग अबाउट द फीचर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस Magnite सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। द Magnite कॉम्पैक्ट SUV विल बी सोल्ड इन ऑल ब्लैक, ब्लू विथ व्हाइट ड्यूअल टोन, न्यू शेड ऑफ ब्राउन। इसके बाद एक नया रेड कलर आप देख सकोगे, रेड कलर ऑप्शन आप ड्यूअल टोन फिनिश में भी खरीद सकते हो। यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ सिल्वर कलर, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑल व्हाइट, एंड यू कैन ऑल्सो बाय द Magnite इन अ व्हाइट प्लस ब्लैक ड्यूअल टोन फिनिश। आज के वीडियो में इन टिपिकल शिफ्टिंग गियर्स डिटेल्ड फैशन हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस Nissan Magnite इन इट्स शेड ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो ड्यूअल टोन पेंट फिनिश आप इस वीडियो में इस गाड़ी के साथ देख सकोगे। ये जो नई Magnite कॉम्पैक्ट SUV है, इट हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। काफी टफ कॉम्पिटिशन है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में। आज की डेट में आप किया की सोनेट, Hyundai की वेन्यू, मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेज़ा, टोयोटा की अर्बन क्रूजर, महिंद्रा की XUV 300, टाटा की नेक्सॉन और फोर्ड की इको स्पोर्ट, ये सभी गाड़ियाँ ऑलरेडी खरीद सकते हो। एंड दिस इज एन ऑल न्यू प्रोडक्ट। ये Nissan की Magnite सबसे पहले तो एज अ डैटसन गाड़ी लॉन्च होने वाली थी हियर इन द इंडियन मार्केट, लेकिन अभी Nissan के लोगो के साथ, Nissan के बैज के साथ, एज अ Nissan प्रोडक्ट ये गाड़ी अब मार्केट में बिकने वाली है। एंड आई थिंक Nissan डज हैव अ मच बेटर brand appeal in the market than Datsun has had so far in the Indian market. और मेरे हिसाब से ये जो 2020 की Nissan Magnite है, it is a good looking car. सामने आपको sleek full LED headlamps दिए गए हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से ये headlamp cluster जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी sharp और edgy भी है design में, तो ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। And I think it is integrated very well with the bumper and the bonnet shut lines. इस Magnite के साथ आपको एक बड़ा LED DRL भी दिया गया है, यू कैन चेक इट आउट ऑन द बम्पर सेक्शन। काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बोल्ड भी दिखाई देता है, और इसकी वजह से इस कॉम्पैक्ट SUV को एक स्टाइलिश अपील भी मिल जाता है। देर इज नो अदर कार इन दिस सेगमेंट विच ऑफर्स यू सच अ LED DRL सेटअप, तो उस हिसाब से ये ज़रूर यूनिक है। LED DRLs के नीचे आप देख लोगे आपको फुल LED फॉग लैम्प भी दिए गए हैं। काफ़ी यूनिक तरीके से इन्हें पोजीशन किया गया है एंड दे लुक वेरी नाइस एंड स्टाइलिश। बॉडी क्लैडिंग के हाउसिंग के अंदर ये फॉग लैम्प्स पोजीशन किए गए हैं, तो उसकी वजह से ये जो Nissan की Magnite है, इसका फ्रंट फैसिया जो है वो ज़रूर आपको काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्टाइलिश लगने वाला है। एंड इस तरह का डिज़ाइन आपने Nissan या Datsun गाड़ियों में अभी तक तो नहीं देखा था। सामने आप देख लोगे आपको नया Nissan का लोगो दिया गया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यू Nissan ब्रांड इमेज गोइंग फॉरवर्ड। तो ये Nissan का नया लोगो आप आने वाली Nissan गाड़ियों में देखने वाले हो। यू हैव अ मैसिव फ्रंट ग्रिल, और लोगो का एक क्लोजअप देख लीजिए, और फ्रंट ग्रिल के आसपास आपको क्रोम एक्सेंट्स भी दिए गए हैं। द ग्रिल इज डेफिनेटली मोर रेमिनिसेंट ऑफ द Datsun ब्रांड। नीचे आप देख लोगे आपको स्किड प्लेट इफेक्ट भी मिल जाती है, एंड यू कैन नोटिस देयर इज अ हेल्दी डोज ऑफ बॉडी क्लैडिंग एज वेल। तो इसका SUV इंटेंट जो है Nissan हाईलाइट कर रहे हैं। मूविंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस Magnite SUV, देख लीजिए कि ये एक सब 4 मीटर गाड़ी है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑन दिस कार। सबसे पहले तो फ्रंट फेंडर पे आपको ये Nissan Magnite की ब्रांडिंग दिखने वाली है, वेरी नाइसली डन, वेरी टेस्टफुली डन, ज़्यादा चीज़ी या ज़्यादा ख़राब ये नहीं दिख रहा है।
उसके बाद आप देख लोगे कि व्हील आर्चेस जो हैं वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, स्क्वायर्ड ऑफ डिज़ाइन है और ये भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस मैग्नाइट के साथ आपको ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं एंड दे फिल अप द व्हील वेल एरिया डिसेंटली। मुझे ये व्हील्स जो हैं वो कम या ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे हैं, गाड़ी के ओवरऑल स्टांस के हिसाब से ये काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। यू कैन नोटिस कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है इन द व्हील बेस सेक्शन, वहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग मिल रही है। बॉडी क्लैडिंग के साथ साथ आप देख सकते हो नीचे के हिस्से में आपको सिल्वर एक्सेंट्स भी दिए गए हैं एज द साइड बॉडी मोल्डिंग। पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिल रहा है, सो देर इज़ नो ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स ऑन दिस निसान मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी। डोर हैंडल्स पे आप क्रोम देख सकते हो और डीएलओ सेक्शन पे भी आपको क्रोम एक्सेंट्स दिख रहे हैं। हैव अ क्लोज अप लुक। ये जो डोर हैंडल है, इवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, तो आपको ट्रू कीलेस एंट्री मिल रही है इस गाड़ी के साथ। इसके बाद ये जो रेयर व्यू मिरर है, यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट द डीएलओ सेक्शन, यहाँ पे क्रोम एक्सेंट्स आपको देखने मिलेंगे। बी पिलर जो है उस पर आपको ब्लैकआउट टेप दी गई है। एंड देन नोटिस दिस, इस गाड़ी में जो आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं ये फंक्शनल भी हैं, दे आर नॉट हियर फॉर एस्थेटिक्स। आपको एक छोटा सा रेयर क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, तो इसकी वजह से गाड़ी के केबिन में थोड़ी ज़्यादा लाइट आने वाली है, सो यू विल नॉट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। देन दिस रेयर व्यू मिरर हैज़ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप उसे देख सकते हो वेरी क्लियरली। और नीचे इन रेयर व्यू मिरर्स पे आप नोटिस करोगे कि एक कैमरा भी टक इन किया गया है, क्योंकि इस निसान मैग्नाइट के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी यूनिक इन दिस सेगमेंट, तो ये फीचर ज़रूर एक टॉकिंग पॉइंट होने वाला है अगर आप निसान के शोरूम्स में चले जाते हो। ओवरऑल डिज़ाइन जो है, कट्स एंड क्रीज लाइंस जो हैं इस गाड़ी में काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको एक इंटीग्रेटेड रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी दिया गया है। स्पॉइलर जो है उसे किस तरीके से कार्व आउट किया गया है आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द ओवरऑल एरो एफिशिएंसी। आपको एक कन्वेंशनल एंटेना भी मिल रहा है इस गाड़ी के साथ। एंड सिंस दिस इज द ड्यूअल टोन वेरिएंट, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्लैक्ड आउट इसका रूफ है इस निसान मैग्नाइट एसयूवी का। और यहाँ पे ये जो आप होल्स देख रहे हो, ये जो ड्रिल माउंट्स देख रहे हो, दीज आर फॉर एडिशनल लगेज कैरिंग कैपेसिटी ऑन दिस रूफ रेल ऑफ द निसान मैग्नाइट। आई विश कि एक शार्क फिन एंटेना दिया जाना चाहिए था इस गाड़ी के साथ, बिकॉज दैट वुड हैव जस्ट मेड इट लुक दैट मच मोर मॉडर्न। अगेन हैव अ क्लोज लुक एट द स्पॉइलर। आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल रहा है इंटीग्रेटेड इन द स्पॉइलर ऑफ दिस निसान मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी। सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंटीग्रेट की गई हैं, इट इज़ नॉट लुकिंग टू चीप। और अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इस निसान मैग्नाइट की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंटली बैलेंस्ड है। देख लीजिए कितना प्रोमिनेंट वेस्ट लाइन इस गाड़ी के साथ दिया गया है, दैट ऑल्सो एड्स टू द ओवरऑल स्टांस ऑफ द कार एंड द अपील ऑफ द कार एंड द अपियरेंस ऑफ द कार। मैग्नाइट के साथ आपको एलईडी टेल लैंप्स नहीं मिल रहे हैं, आई थिंक इट इज अ मिस। एज पर सेगमेंट स्टैंडर्ड्स आज की डेट में एलईडी टेल लैंप्स दिए जाने चाहिए थे, बट मे बी निसान इज कीपिंग दैट फॉर द फेस लिफ्ट अवतार ऑफ दिस मैग्नाइट विच विल कम मे बी इन टू और थ्री ईयर्स। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए निसान का नया लोगो किस तरीके से यहाँ पे चिपकाया गया है। दिस सेक्शन इज अ प्लास्टिक पीस बाय द वे, जहाँ पे ये निसान का लोगो चिपकाया गया है, तो इसे आप निकाल के स्टाइलिश तरीके से रैप भी कर सकते हो। मैग्नाइट की बोल्ड लेटरिंग ब्रांडिंग आप यहाँ पे टेलगेट पे देख सकते हो। टेलगेट जो है ओवरऑल काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, लेकिन काफ़ी कट्स और क्रीज लाइंस आपको देखने मिलेंगे। टेल लैम्प भी काफ़ी शार्प और एजी दिखाई देता है। सीवीटी की ब्रांडिंग ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पे आपको टेलगेट पे देखने मिलेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ द कार दैट यू आर फॉलोइंग इफ यू आर फॉलोइंग अ निसान मैग्नाइट। और इस गाड़ी के साथ ऑब्वियसली आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाली है, तो टर्बो की ब्रांडिंग भी आप यहाँ पे टेलगेट पे देख सकते हो। ये गाड़ी जो है इट इज़ अ सब 4 मीटर कार, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ हार्ड कोर ऑफ रोडर, लेकिन फिर भी इसका जो एसयूवी अपीयरेंस है उसे एनहेंस करने के लिए आप देख लीजिए पीछे बम्पर पे भी आपको स्किड प्लेट इफेक्ट मिल जाती है। यू हैव अ हेल्दी डोज ऑफ बॉडी क्लैडिंग एज वेल, और आप देख लीजिए कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी कितने अच्छे तरीके से टक इन किए गए हैं। पीछे बम्पर पे आप रिवर्स सेंसर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ वेरी नीटली डन। ये निसान की मैग्नाइट जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी। और यहाँ पे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल रहा है विच हैज़ बीन हाउस्ड ओवर हियर इन द नंबर प्लेट
section of the rear bumper. So overall, just like the front end design is gaadi ki jo rear end design bhi hai, I think it is nice, it is stylish, it is bold, and as per 2020 standards, ye kisi ko bhi boring nahi lagne wali hai. This Nissan Magnite is very soon going to be launched here in the Indian market. Pricing abhi tak announced nahi ki gayi hai. We have a separate video where we have showcased the interiors of this compact SUV. So use bhi zarur check out kar lijiyega. Right now you have seen everything that is important to make note of on the outside of this sub 4 meter Nissan compact SUV, which was supposed to be a Datsun compact SUV and is going to be available in your nearest Nissan showrooms dubbed as the Magnite. तो कैसी लगी आपको ये 2020 Nissan Magnite Compact SUV on the outside? क्या आपको इस गाड़ी की डिजाइन पसंद आई? Do you think this car is good looking? सब 4 मीटर SUVs के कंपैरिजन में क्या ये गाड़ी आप खरीदना पसंद करोगे या नहीं? Do let us know in the comments below. Do check out the interior video जो हमने अलग से अपलोड कर रखा है, जिसमें हम आपको इस गाड़ी के इंटीरियर्स के सभी माइन्यूट डिटेल्स बता रहे हैं. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. If you have any other queries, do ask us and we will try our best to help you make an informed car buying decision. See you soon and always guys, drive safe, always wear your seat belts.